व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार। सो कैसे हैं आप सब लोग? मस्त होंगे और एकदम से स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से भाई अपने शुभम ब्लॉग्स में। सो आज का दिन अपना स्टार्ट होने वाला भाई इस ऐसे लोकेशन पे, तो मींस कि आज का ब्लॉग जो अपना है जहाँ से रहने वाला है, और आज जब हम जा रहे हैं एक बड़ी मज़ेदार वाली ट्रिप पे, और मेरे साथ आ रहे हैं मामू यहाँ पे और वो भी हमारे साथ आ रहे हैं। सो आज की जो ट्रिप है वही अभी बिल्कुल अननोन है, मुझे खुद नहीं पता कहाँ पे जाना है। सो चलते हैं और आज की ट्रिप का एंजॉय करते हैं। खूबसूरत पहाड़ और माता वैष्णो देवी के, तो आज की जो अपनी ट्रिप है वो वही रियासी वाली साइड है, खूबसूरत माता वैष्णो देवी का शहर कटरा। तो ये है कटरा शहर भाई, बहुत ही खूबसूरत। आज की ट्रिप का पूरा पूरा मज़ा आ रहा है यहाँ पे भाई, और जो मौसम है एकदम भाई आज कड़कती हुई धूप है और गर्मी भी काफ़ी अच्छी खासी है। और भी हम पहुँच चुके कुछ ऐसी वाली आप देख सकते कितने भाई। यहाँ पे अभी हम आए हैं, यह एक पुराना सीमेंट का प्लांट जहाँ पे सीमेंट वगैरह बनता था, और यहाँ पे ये पुरानी मशीनें वगैरह पड़ी हुई हैं, और आई डोंट नो क्या है ये, बट आई थिंक इसमें सीमेंट की जो पत्थर वगैरह उसको पीसा जाता होगा। तो उसके बाद कुछ अलग ही सीन है भाई, मैं फर्स्ट टाइम ही किसी सीमेंट प्लांट में आया हूँ। और यहाँ की जो बाहर की लोकेशन है एक नंबर है भाई, बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पे सफेदे के, और काफ़ी सारी मशीनरीज के पार्ट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं टूटे फूटे, और देखने में बहुत ही खूबसूरत है। और इधर है अपने मामू जो कि एक मशीन का काम करने के लिए आए थे, तो उनके साथ मैं भी आया हूँ। सो सर, हाय। सो ये भाई इन्होंने काम करना है और हम यहाँ पे वीडियोग्राफी करेंगे, वीडियो वगैरह बनाएंगे, और अभी मशीन आई नहीं है एक्चुअली मैं यहाँ पे। सो इन्होंने सर्विस करनी है, देखते हैं। लोकेशन एक नंबर है भाई, अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पे एक साथ में ही मतलब नदी है छोटी सी, तो वहाँ पे चलेंगे नहाने के लिए अगर टाइम मिला तो। इनकी सर्विस करनी है, वो मशीन आ गई है, तो इसकी सर्विस यहाँ पे होगी इस वाली बाइक मशीन की। यहाँ पे ये स्टेयर्स हैं, इसके ऊपर चलते हैं कि क्या है इसके अंदर, और ये यहाँ पे चेक करते हैं स्टेयर्स के ऊपर चलते हैं, इसको घुमाते हैं इस तरफ और बड़ा ड्रम है इसको घुमाने की कोशिश करते हैं, ये हिलता है, हिल रहा है बट घूम नहीं रहा। सो इसके साथ ही इधर मोटर लगी हुई है, इस मोटर को घुमाते हैं, मैं भी मोटर के साथ घूमूँ। सो इसको हाँ थोड़ा थोड़ा हिल रहा है भाई, हाँ बट पूरा नहीं घूम रहा ये भाई। इस जहाँ पे अब बड़ी सी स्टेयर, इसके ऊपर चलते हैं देखते हैं ऊपर क्या है, और काफ़ी हाइट है इसकी, मेरी 30 मीटर होगी, और उसके ऊपर चेक करते हैं कि क्या क्या है। तो चलते हैं यहाँ से ऊपर पहले। तो भाई इसके अंदर भी कुछ खास नहीं है, ऊपर मतलब कवर नहीं है, जो पाइप लगी है उससे शायद धुआं वगैरह बाहर जाता होगा, तो कुछ खास नहीं है। इसकी चिमनी बोल सकते हैं हम इसको, तो वही बनी है अंदर से, शायद सिलेंडर के लिए फॉर्म रही होगी इसकी, सिलेंडर है की टाइप का, बट कोई खास नहीं है। तो छोटी छोटी काफ़ी मोटर्स हैं, ये अभी भी चल रही हैं, बट जो सीमेंट की फैक्ट्री है ये बंद होगी, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ इस चीज़ का, तो मुझे लगा कि आपको बता दें कैसा होता है इसके अंदर सारा सिस्टम। तो मुझे भी कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ये बिल्कुल यहाँ पे टूट चुका है सारा कुछ, मतलब बंद पड़ा हुआ है आई थिंक काफ़ी देर से। सो कुछ ये एक सिलेंड्रिकल चीज़ है, मतलब खाली अंदर से, इधर तो टैंक्स बने हैं बड़े बड़े, और एक यहाँ पे है, तो इनके ऊपर बिल्कुल कवर किया गया है, उसको भी कवर किया गया। इसके साथ दो पाइप्स लगी हैं जो कि बाहर शायद धुआँ वगैरह निकालने के लिए होगा या कुछ ऐसा, तो वैक्यूम वगैरह या कुछ, तो कुछ ऐसी वाली भाई यहाँ पे सीन है सारा। आज की राइड कुछ इस तरह की थी, और वहाँ पे गए थे एक क्रैशर पे, और वहाँ पे हमने एक पावर प्लांट देखा, जैसे कि
उसका पावर प्लांट नहीं, मीन्स कि सीमेंट का प्लांट था, और उसमें आपको सारी जो चीज़ें थी वो आपको दिखाई। और अभी हम जा रहे हैं वापस, तो रास्ते में जाते हुए एक और जगह पे जाने वाले हैं और वहाँ का ब्लॉग अलग से आएगा। तो चलिए वहाँ पे चलते हैं और आपको एक और नया ब्लॉग ला के देते हैं। रियासी का बहुत ही फेमस जगह है और वहाँ पे चलेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें नए नए वीडियोज़ देखने के लिए। सो लेट्स गो, अभी चलते हैं घर। तो इस ब्लॉग के लिए बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में।